G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे इटली के अपुलिया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी हो सकती है मुलाकात। इटली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले अन्य नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आउटरीच कंट्री के तौर पर किया गया है आमंत्रित। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना। G7 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में बोले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। यूक्रेन मध्य पूर्व और AI समिट का एजेंडा, ग्लोबल साउथ के साथ 7 अहम लोकतांत्रिक देश के होने का दिया संकेत। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल से जुड़ी खबरें देखने का। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच आज उससे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर के नीट छात्रों की नजर। परीक्षा को लेकर छात्रों का बवाल जारी। दिल्ली में नीट छात्र आज भी सड़कों पर कर सकते हैं प्रदर्शन। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की कर रहे मांग। नीट में धांधली और पेपर लीक का आरोप, विरोध में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने कोलकाता में किया प्रदर्शन, कई को हिरासत में लिया गया। 23 जून को नीट UG 2024 की परीक्षा का आयोजन। 1563 स्टूडेंट्स होंगे शामिल जिन्हें दिया गया है ग्रेस मार्क्स। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं लेना चाहते उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बगैर पुराना ही माना जाएगा। नीट परीक्षा में मास्क कॉपिंग के मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 मई को हुई थी परीक्षा। पंचमहल जिले के गोधरा में साजिश का हुआ था पर्दाफाश। कांग्रेस संसद सत्र के दौरान उठाएगी नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा। मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग। गौरव गोगोई ने कहा कांग्रेस चाहती है CBI जांच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नीट परीक्षा को लेकर बयान, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। परीक्षा में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं है बल्कि पेपर लीक हुए हैं, सरेआम खेला जा रहा है भ्रष्टाचार का। नीट UG 2024 की परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद जारी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिन छात्रों ने शिकायत की थी उन्हें परीक्षा देने का मौका मिला है, जिन्होंने शिकायत नहीं की उनका क्या कसूर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, लिखा घोटालों से बचने की कोशिश कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से जुड़ा ताजा अपडेट ले लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। 20 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा। इटली दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की। NSA अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की है। जम्मू कश्मीर के DGP ने दी आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को चेतावनी। पाकिस्तान पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, कहा भारतीय सेना दुश्मनों को देगी मुंहतोड़ जवाब। जम्मू में आतंकी हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी PGP। PGP दफ्तर के बाहर करेगी विरोध प्रदर्शन। जम्मू में बीते 4 दिन में हो चुके हैं 4 आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीणों का दावा, स्केच में दिख रहे आरोपियों को सैदा गांव में लोगों ने देखा है। लोगों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। जम्मू के डोडा में दहशत फैलाने वालों का स्केच जारी, जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम का ऐलान। आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में पुलिस जवान के घायल होने के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही सेना। डोडा के गंदो इलाके में जवानों ने घेराबंदी की है, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए चिंदवाड़ा के जवान कबीर दास का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सांसद और मंत्री सहित पूरे गाँव ने श्रद्धांजलि दी। तो दिल्ली में जल संकट बढ़ता ही जा रहा है, राजनीति भी खूब हो रही है और इससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में पानी देने के बदले पैसे लेने वाला टैंकर का ड्राइवर ABP न्यूज के कैमरे में कैद हुआ। कैमरा देख पास की दुकान में जा छिपा आरोपी, बाद में मानी पैसे लेकर पानी देने की बात। दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में सहयोगी कांग्रेस अब दिल्ली की सड़कों पर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करेगी, आप सरकार का करेगी विरोध। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा किसी भी कीमत पर दिल्ली में पानी की कमी ना हो। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं और जल संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है सरकार। BJP के नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, कहा इनकी नीयत ही नहीं है लोगों को जल संकट से उबारने की। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी घमासान जारी है। चुनाव में सहयोगी कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए हैं, पानी की समस्या के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। पिछले 10 साल दिल्ली सरकार ने पानी के लिए कुछ नहीं किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।